फर्क भी लिया, जान भी लिया, पहचान भी लिया। बात खत्म हो गई, मैं उससे प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं होता। निधि इधर आओ। देखो बेटा, ये आज का जो दिन है ना, और ये जो आज की बात है, ये बाकी सभी बातों से बड़ी है, अलग है। मैं आज चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं तुम पर, लेकिन समझाऊंगा जरूर। शादी दो बराबर वालों में होती है। नहीं नहीं, मैं पैसे की, धन की, इसकी बराबरी की बात नहीं कह रहा हूं, मन की, सोच की, अलग अलग रहन सहन की बात कर रहा हूं बेटा। समझ रहे हो ना राघव मैं क्या कह रहा हूं? वो लड़की गांव में पली बड़ी है, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करती है, और तुम शहर में पले बढ़े हो, आर्किटेक्ट हो। बेटा जीवन में गलतियां करो, पर कुछ भी गलत मत करो। ये तुम्हारी पसंद, ये दो दिन का प्यार, अचानक से रिश्ता जुड़ना, ये सब गलत है राघव। प्यार कभी गलत नहीं होता पापा, और प्यार में कुछ भी सही गलत नहीं होता। मैं बस एक बात जानता हूं कि मैं संजना से बहुत प्यार करता हूं। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये पागल हो गया है, और इसके इस पागलपन में मैं इसका साथ नहीं देने वाली, समझे? बहुत प्यार करता हूं तुमसे संजना। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। राघव तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्यार, प्यार करता हूं संजना से। नहीं करते। करता हूं। तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। नहीं कह सकते ना, क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम्हारी जुबान पे कुछ और। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे तो मैं मान लूंगी? जाओ, नहीं मानती। जो इंसान पिछले दो दिन से मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ, उस तस्वीर की जिक्र कर रहा था कि उस तस्वीर में हम दोनों हैं, जो दो दिन तक मुझसे ये कहता रहा कि हमारा कोई पास्ट कनेक्शन है, हमारी कोई अधूरी कहानी है जिसे इस जन्म में पूरी करनी है, वो इंसान किसी और से दो दिन में प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो क्या, कोई भी नहीं मानेगा राघव। मैं जानती हूँ प्यार एक दिन में, एक पल में या एक महीने में नहीं होता है। हाँ, पहली नजर वाला प्यार अलग है, पर संजना के लिए तुम्हारा पहली नजर वाला प्यार नहीं है। राघव, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम्हारे दिल में संजना के लिए वो प्यार वाली फीलिंग है। तुम ये सब कुछ मुझे हर्ट करने के लिए कर रहे हो, मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं लगता मुझे, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। और वैसे भी पूरी दुनिया में, इस जहान में सिर्फ एक तुम ही हो क्या, जिसके आगे पीछे दिन रात कोई ना कोई घूमेगा? हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी के अपने चॉइसेस होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं। एंड बाय द वे, क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी पिछले जन्म की साथी हो? मेरी साथी सिर्फ संजना है, अंडरस्टैंड? और मैं, मेरे लिए कोई एहसास नहीं है। नहीं, तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई फीलिंग नहीं, इतनी सी भी फीलिंग नहीं। इसलिए ड्रामा बंद करो, और खास करके मेरी फैमिली के सामने, क्योंकि तुम ये सब करती हो तो वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। सो स्टॉप दिस ड्रामा, ओके? आई हेट दिस। राघव सुन, राघव सुन, अरे आई कांट बिलीव दिस। राघव मेरा बचपन से दोस्त है, लेकिन उसका ये शहर तो पहले मैंने भी कभी नहीं देखा। आई डोंट नो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगू तो भी कैसे मांगू? पता नहीं दो दिन से अचानक उसे क्या हो गया, क्या गड़बड़ है राघव के साथ, वो क्यों इतना गुस्सा है? Thank you.
तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम रो रही हो इसलिए। I mean, तुसे ये सोच के कि तुम क्यों रो रही हो? तुम उस कड़वे करेले के लिए रो रही हो, जिससे तुम इतना चिढ़ती थी, इतना इरिटेट होती थी, आज तुम उसके लिए रो रही हो। Let me guess, ये उन सब सपनों और ख्वाबों ख्यालों का असर है, right? I knew it. मैं जानता था मेरा दोस्त कभी गलत नहीं हो सकता। Actually, वो कभी समझ नहीं पाया कि उसे वो सपने क्यों आते हैं और उन सपनों में तुम क्यों आती हो। जैसे कि I guess अभी तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम उससे इतना लड़ती थी, इतना आर्ग्यूमेंट करती थी और आज तुम उसी के लिए रो रही हो। तो अब ये प्यार है या पिछले जन्म का कनेक्शन है, जो भी हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वैदेही, ट्रस्ट मी, कि कुछ तो डेफिनेटली है। आई नो, मुझे लगा था राघव और मैं हाथ में मिलके इस गुत्थी को सुलझाएंगे, इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे, लेकिन राघव पिछले जन्म की बात ही नहीं करना चाहता। क्या? हाँ, मुझे लगा था कि वो मुझसे नाराज है, और वो उस लड़की से शादी, उससे रिश्ता, उससे प्यार, ये सब कुछ अजीब है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अजीब तो मुझे भी बहुत लग रहा है, इनफैक्ट मुझे तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री लग रही है, और इस मिस्ट्री को अब सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये दो दिन के प्यार वाली लड़की है कौन, ये संजना आखिर है कौन? अगले तीन दिन में शादी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त वर्षों में एक बार आता है और जन्मों जन्मों के लिए एक साथ कर जाता है। पर तीन दिन में शादी कैसे? जब एक दिन में प्यार हो सकता है, दो दिन में लड़का लड़की का हाथ पकड़ के घर पे ला सकता है, तो शादी के लिए तीन दिन तो बहुत है। और कहते हैं ना, चार दिन की जिंदगी है, तो तीन दिन तो बहुत हो गए। और गुरुजी कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त तीन दिनों में है, तो शादी तीन दिनों में ही होगी। अरे तुमको किस बात की जल्दी है छोटे नवाब? ये शादी ब्याह का मामला है, वर्षों तक साथ निभाना है, कुछ दिन एक दूसरे को समझ लो, देख लो। इस शादी ब्याह के मामले में समझदारी बहुत जरूरी होती है, और फिर यही समझदारी भाई आगे चल के रिश्ते निभाती है, साथ निभाती है। तो पहले कुछ सोचो समझो, उसके बाद कोई फैसला करो। मैंने अच्छे से समझ लिया, परख लिया है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, शादी तीन दिन में ही होगी। अब ठीक है ना, आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे भी कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है, किसको किससे मिलना है वो उसने पहले से लिख के रखा है। शायद इन दोनों का राम नामगढ़ में मिलना भी पहले से लिखा हो। अब जब ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, फिर ठीक है ना, करवा दीजिए ना शादी। मेरे ख्याल से मोम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और भाई जब लड़का लड़की राजी हैं तो फिर शादी करने में हर्जी क्या है? वैसे टाइम बहुत कम है, सिर्फ तीन दिन है, शादी की तैयारियां बहुत सारी करनी है। और हाँ बेटा, आज से ना तुम इसे अपना ही घर समझो, मतलब घर तो है ही तुम्हारा, आज से तुम्हारा ये मायका भी है, समझी? किसी बात की टेंशन मत लेना बेटा, है? करण, वैद्य, वो जो गुरुजी थे वो अचानक से कहीं गायब हो गए, आप लोगों ने उन्हें कहीं? गुरुजी आप यहाँ? अरे आपका गमछा और फोन तो वहां। अरे हाँ, अरे मेरा फोन कुर्ते की जेब से पता नहीं कहीं गिर गया है बीच में, मेरा गमछा भी रास्ते में कहीं गिर गया, तो फिर लोगों ने पता नहीं क्या सोच लिया, मैं देखता हूँ। अरे गुरुजी आपके घर वाले बहुत परेशान हैं, अब आप जाइएगा। हाँ अब मुझे घर जाना चाहिए। नमस्ते। चलिए गुरुजी मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं आपके घर वाले परेशान हैं, मैं छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ आइए प्लीज। जी चलिए। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ।